मथुरा पुलिस ने कहा कि उन्होंने एक लड़की के कत्ल को हल कर लिया है, जिसकी लाश गुज़िश्ता हफ्ते यमुना एक्सप्रेसवे के करीब ट्रॉली बैग में भरी हुई मिली थी। लाश की शनाख्त दिल्ली के बदरपुर के रहने वाली 21 साल लड़की आयुष यादव के तौर पर हुई है। मुबैना तौर पर मक्तूल के सीने पर गोली के निशान के अलावा चेहरे पर और जख्मों पर खून के निशानात थे। इत्तला के मुताबिक लड़की के वालिद नीतीश यादव ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया था। मथुरा पुलिस ने इंकशाफ किया कि लड़की कुछ दिन पहले अपने वालिद को बताए बगैर कहीं चली गई थी। लड़की ने मुबैना तौर पर अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ किसी से शादी की थी। जुमा यानी 18 नवंबर को जब वो घर वापस आई तो लड़की और उसके घर वालों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद यूपी के गोरखपुर से ताल्लुक़ रखने वाले बाप ने लड़की पर 2 गोलियां चलाई, जिससे वो हलाक हो गई। मां ने लाश को सूटकेस में भरने में मदद की और दोनों ने मिलकर लाश को यमुना एक्सप्रेसवे के करीब फेंक दिया। बस 18 तारीख को सुबह वृंदावन तट पे एक लाल सूट केस में एक युवती का शव मिला था, जिसपे गोलियों के निशान थे। उसकी शिनाख्त के लिए हमारी कई टीमें लगी थीं, करीब 14 टीमें काम कर रही थीं। मैनुअली हम लोगों ने उसकी शिनाख्त की और बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली की रहने वाली युवती है। जो पूछताछ में जानकारी आई कि ये 17 तारीख को दिन में इसके फादर से इसकी कहा सुनी हुई थी, ये लड़की अपने मर्जी से एक लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेकर परिवार में मनमुटाव चल रहा था और उसी कहा सुनी में फादर ने इसको 2 गोली मारी थी। लाश को रात में घर में ही रखे रहे और सुबह 3 बजे के आसपास अपनी ही गाड़ी से माँ और बाप दोनों लोग लेके उसको लाल सूटकेस में रख के ले आए और यहाँ डाल के वापस चले गए थे। हमारी पुलिस ने जांच में ये पाया कि माँ और बाप के बयानों में अंतर है। जब हम लोगों ने इस पे ठीक से बात की तो ये बात खुलती चली गई और उन्होंने स्वीकार किया कि ये हमने अपने घर में ही इसकी हत्या करके यहाँ डेड बॉडी ला के डाली थी। सर वजह क्या थी इस हत्या? लड़की चूँकि बालिग थी और अपने मर्जी से एक छत्रपाल नाम के लड़के से शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में, इसको लेके परिवार में काफ़ी मनमुटाव था और लड़की बिना बताए भी घर से चली जाया करती थी, जिसको लेके माँ बाप टोकते रहते थे। कितने टीमें लगी थी इस मामले को खुलासे के लिए? कितनी टीमें लगी थी सर इसको खुलासे के लिए? खुलासे के लिए 14 टीमें काम कर रही थी और सभी टीमों ने खूब अच्छे से काम किया और हम लोगों ने इसको जल्दी जल्दी वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त। सर टीमों को कुछ इनाम मिली हो? सर टीमों के लिए कुछ पुरस्कार रखा हो? DGP सर की तरफ से बधाई हम लोगों को दी गई है और पुरस्कार देने की भी घोषणा की। सर शादी के बाद लड़की कहाँ रह रही थी? अपने मायके में ही रह रही थी। शादी उन्होंने की थी आर्य समाज मंदिर में, जिसका ये राहती अपने मतलब मायके में।